हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आज जो हम रीडिंग करेंगे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है। अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है तो आपके लिए ये रीडिंग हो सकती है। तो ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं, टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। तो चलिए गाइस, अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो चलिए गाइस, पहले मैं थोड़ा आपके बारे में बता देती हूँ। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइस कि आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो और आपको ये पता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में स्टक हैं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपको पता है, उनका करियर, उनकी फैमिली या उनका कोई अदर रोमांटिक पार्टनर। तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी में स्टक हैं, फिर भी आप उनका वेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और आप आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आप ये सोच रहे हो कि आपको इस रिश्ते को आगे ले जाना है, इस रिश्ते को दोबारा से ठीक करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके पर्सन के साथ जो भी आपकी परेशानियां चल रही हैं, जो भी प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच, वो सॉल्व हो जाए और आप दोनों का रिश्ता फिर से सुधर जाए। तो आपकी एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है गाइस, और ये भी दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आपके पर्सन की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान भी थे। एक तो आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी आई, आप उसकी वजह से परेशान हुए, और कुछ आपके पर्सन का नेचर भी ऐसा था जिसकी वजह से आप परेशान रहते थे। किसी के पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे, तो किसी के पर्सन थर्ड पार्टी की ज़्यादा सुनते थे और आपकी कम सुनते थे। किसी के पर्सन ऐसे थे जो आपकी प्यार की कदर नहीं की, आपको कोई वैल्यू नहीं दी उन्होंने, बस रिश्ता चलता रहा और उसमें कोई मतलब फ्यूचर आपको नज़र नहीं आता था, ये भी परेशानी थी। कुछ के पर्सन का ध्यान अपने करियर पर कुछ ज़्यादा ही था, अपने पैसों पर वो ज़्यादा ध्यान देते थे, लग्जरी लाइफ वो जीना चाहते थे, तो इस वजह से उनका उनके करियर पर ध्यान रहा और आपकी तरफ कम ध्यान देते थे। कुछ के पर्सन ऐसे थे जो आपकी सुनते ही नहीं थे, सिर्फ अपनी चलाते थे, वो रिश्ता मतलब बैलेंस नहीं था रिश्ते में, ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो आप पास्ट में भी बहुत ज़्यादा परेशान थे और आप अभी भी परेशान हो कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, ये आप सोच रहे हो। और आप गाइस, आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है, आप ये आपको लगता भी है कि आपका रिश्ता सुधरेगा। बहुत लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हैं और बहुत लोग ऐसे हैं जो निगेटिव हैं, जो सोचते हैं कि नहीं, अब शायद कुछ नहीं हो सकता इस रिश्ते में, ऐसी सोच रखने वाले भी यहाँ पर हैं। तो गाइस, मैं अब आपको आपके पर्सन की एनर्जी बताती हूँ। तो आपके पर्सन इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा मतलब गिल्ट में दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पास में उन्होंने जो गलतियाँ की, अब उनका एहसास आपके पर्सन को हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा सैड भी हैं, जहाँ पर भी स्टक है वहाँ पर उन्हें पेन मिल रहा है। तो इस वक्त आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा सैड भी दिखाई दे रहे हैं, और उनके सैड होने का एक कारण ये भी है कि वो आपसे दूर हो गए हैं। उनको अब समझ में आ चुका है कि प्यार कहाँ मिलता था उनको, लेकिन वहाँ पर उन्होंने क्या की, गलतियाँ की बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से अब उन्हें पछताना पड़ रहा है, क्योंकि रिश्ता उन्होंने ख़राब कर दिया। पास्ट में जो भी गलतियाँ आपके पर्सन ने की गाइस, उस वो अभी उन सबको याद कर रहे हैं और इसी वजह से वो पछताते हुए नज़र आ रहे हैं। पास्ट में आपके पर्सन ऐसे भी रहे होंगे गाइस कि जो आपसे मीठी मीठी बातें करते तो थे, लेकिन आपको कभी कुछ क्लियरिटी नहीं देते थे। आप कुछ भी पूछते तो घुमा घुमा कर आपको जवाब वो देते थे, और उसी आपको उन बातों में उलझा कर वो उस टॉपिक से हटकर किसी और टॉपिक पर पहुंच जाते थे। ऐसे भी कुछ के पर्सन रहे होंगे गाइस कि जो क्लियरिटी आपको देते ही नहीं थे, आपके सवाल का सही जवाब कभी आपको मिला ही नहीं आपके पर्सन से, ऐसा भी है। और अब उन्हीं सब बातों को आपके पर्सन याद करके बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने पास्ट में कितनी गलतियाँ की और कितना दुख आपको दिया है। अब वो गलती का एहसास आपके पर्सन को हो रहा है। अब गाइस देखिए, थर्ड पार्टी क्या कर रही है। तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अपने काबू में करने के लिए बहुत सारे उपाय कर रही है। वो मीठी मीठी बातें करती है आपके पर्सन से, आपके पर्सन को ऐसा प्यार जताती है कि मतलब उसकी जितना प्यार उस आपके पर्सन को कोई नहीं दे सकता, ऐसा एहसास वो दिलाना चाहती है। और कुछ के लाइफ में ऐसा भी चल रहा है गाइस कि वो जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक का भी इस्तेमाल करती है, ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर भी वो आपके पर्सन को काबू में रखना चाहती है। लेकिन आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है ये बता दूं, तो आपके पर्सन के मन में चल रहे हो आप। आपके पर्सन का ध्यान पूरा पूरा आप ही की तरफ है। वो थर्ड पार्टी जिसके साथ अभी वो हैं, वहाँ पर उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, और वो मतलब वहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि थक चुके हैं और बहुत ज़्यादा उनको पेन मिल रहा है, जिसकी वजह से वो परेशान भी हैं। और उस थर्ड पार्टी की असलियत भी आपके पर्सन को समझ में आ गई कि वो सिर्फ उनका इस्तेमाल करने के लिए उनकी तरफ बढ़ी थी और उनको मीठी मीठी बातों में फंसाया पास्ट में, और अपनी तरफ कर लिया और आपसे दूर कर दिया। तो अब आपके पर्सन को उस थर्ड पार्टी की इंटेंशन समझ में आ रही है कि वो उनका इस्तेमाल कर रही है, प्यार व्यार कुछ नहीं है। इस वजह से अब आपके पर्सन का ध्यान किधर है, आपकी तरफ है।
तो वो थर्ड पार्टी, ये इसी वजह से थर्ड पार्टी भी थोड़ी परेशान है, क्योंकि पर्सन आपके जो हैं वो उनकी तरफ अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो आपको मिस करते हैं और आपको याद करते हैं और आपके लिए कैसे एक्शन लेना है ये भी वो सोच रहे हैं। तो थर्ड पार्टी अपने चालाकियों से गैस बाज नहीं आई है, वो तो चाल चल रही है, लेकिन आपके पर्सन उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस वजह से वो भी थोड़ी सी परेशान है कि ऐसा उनके आपके जो पर्सन है उनके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। पास्ट में तो बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते थे, अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं कि बात भी नहीं करना चाहते, साथ में रह रहे हैं लेकिन कोई मतलब रोमांस नहीं है दोनों के बीच। उनका बिहेवियर तो उस थर्ड पार्टी के साथ थोड़ा सा रूखा बिहेव कर रहे हैं वो, कि मतलब वो पहले जैसा उनकी तरफ जैसे अट्रैक्ट थे वैसा अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो थोड़ी सी थर्ड पार्टी भी परेशान दिखाई दे रही है, लेकिन वो अपनी चाल चलने से बाज नहीं आ रही गैस, वो तो चालाकियां कर रही है, ब्लैक मैजिक का भी सहारा ले रही है, लेकिन आपके पर्सन का ध्यान अभी उस तरफ नहीं है, आपकी तरफ है। और देखिए गाइस, आपके पर्सन जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रे करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब दुआओं में मांग रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि गॉड किसी भी तरह से इस रिश्ते को दोबारा से ठीक करे और आप दोनों फिर से एक हो जाओ, ऐसी आपके पर्सन की इच्छा इस वक्त दिखाई दे रही है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि आपके रिश्ते में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके पर्सन को भड़काते हैं आपके खिलाफ, वो आप दोनों को अलग करना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन का ध्यान उन लोगों की तरफ नहीं है, उनका ध्यान आप ही की तरफ है, उनको किसी भी तरह से आपसे जुड़ना है दोबारा से, ऐसा वो सोच रहे हैं कि भाई किसी भी तरह से हम दोनों फिर से कनेक्ट हो जाएँ। आपके पर्सन को ये भी समझ में आ रहा है गाइस कि आपको पाने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आप दोनों का रिश्ता इतना आसान नहीं है, तो आपके पर्सन को ये भी समझ में आ रहा है कि आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, और वो इस वजह से भी परेशान है कि उनको ये भी डर लग रहा है कि आप कहीं किसी और के साथ मूव ऑन तो नहीं हो गए, आप अपने रिश्ते लाइफ में कहीं आगे तो नहीं बढ़ गए हो। ये भी आपके पर्सन को एक चिंता है गैस कि जब वो वापस आएंगे तो क्या पता आप उन्हें दोबारा से वही प्यार दोगे कि भी नहीं, या उनसे बात भी करोगे या नहीं, ये भी चिंता आपके पर्सन को है। देखिए आपके पर्सन जो हैं वो तो थर्ड पार्टी में अभी भी फंसे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, हर किसी के पर्सन ऐसे नहीं है कि थर्ड पार्टी से निकल चुके हैं, बहुत से लोगों के पर्सन अभी थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, लेकिन वो वहाँ से निकलना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उस थर्ड पार्टी की तरफ अभी उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं, कोई ना कोई बात को लेकर उन दोनों के बीच बहस भी हुई है, और उस वजह से थर्ड पार्टी भी थोड़ी सी सैड तो है, लेकिन वो अपना चाल चलना नहीं छोड़ती गाइस, वो तो कोशिश करती रहती है कि आपके पर्सन को अपनी साइड रखे, लेकिन आपके पर्सन इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी भी हैं कि उन्हें वहाँ पर वो प्यार नहीं मिल रहा जो आप देते थे, इस वजह से अब उनका ध्यान वहाँ से हट रहा है और आपकी तरफ हो गया है। बाकी ये तो है गाइस कि दोनों के बीच लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, चाहे वो कोई भी मैटर हो, पर वहाँ पर लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं और उन दोनों के बीच कुछ भी अच्छा नहीं है, भले वो लोग दिखाने की कोशिश करते होंगे, कुछ के पर्सन ऐसे होंगे ना जो सोशल मीडिया पर फोटोज़ डाल रहे हैं ये वो, तो आपको लगता होगा कि बहुत ज़्यादा खुश हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं, कार्ड्स में एनर्जी यही निकल कर आई है कि आपके पर्सन वहाँ पर परेशान हैं और वो उनकी ज़रूरतों को पूरा करते करते भी थक चुके हैं, और उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अभी कुछ महीनों से ऐसी ही एनर्जी दिखाई दे रही है गाइस कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, भले वो जो भी दिखाने की कोशिश करते हों वो मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी एनर्जी यही है कि उन दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है, तो इस वजह से आप लोग जब बोलते हो ना कि थर्ड पार्टी के साथ वो बहुत ज़्यादा खुश है, तो दिखा आदमी हर कोई ऐसा नहीं होता गाइस कि वो मतलब आपको दिखाएगा कि वो दुखी है, हम में से भी कुछ लोग ऐसे ही रहते हैं कि भाई कभी हम अपना दुख शो नहीं करते किसी के सामने, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बता देते हैं, तो आपके पर्सन इन्हीं लोगों में से हैं जो कुछ बताते नहीं हैं, छुप कर अपना दर्द सह रहे हैं गैस वो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो मुहावरा सुने होंगे ना आपकी, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, बस वही यहाँ चल रहा है कि आपके पर्सन दिखा तो रहे हैं कि वो खुश हैं लेकिन वो खुश हैं नहीं, और आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं गैस, ये यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, और वो आपसे दोबारा कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, किसी भी तरह उन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, इस वक्त आपके पर्सन की यही फीलिंग दिखाई दे रही है गैस, तो हो सकता है कि आने वाले 4 से 5 दिनों में आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करें, बहुत सारे लोगों का रीयूनियन यहाँ पर होगा गाइस आने वाले 4 से 5 दिनों में, तो आपके पर्सन के कॉल और मैसेज का वेट करते बैठे मत रहना, आप अपने काम पर ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव रहकर अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिएगा, ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन उनके लिए बैठे मत रहिएगा कि फ़ोन को लेके बैठे हैं ये पर्सन कांटेक्ट करेंगे या मिलने के लिए आएंगे, ऐसा लेके बैठे नहीं रहना है, आप अपने काम पर ध्यान दो, जो डेली डेली रूटीन में आप काम करते हो वैसा करो,
लेकिन आने वाले 4 से 5 दिनों में बहुत से लोगों को उनके पर्सन का कॉल या मैसेज मिलेगा, ये यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। तो यही रीडिंग है गाइस, आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।